उत्तर प्रदेश में 100 दिन पूरे करने पर सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपनी पीठ थपथपाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन विश्वास के शीर्षक के साथ एक बुकलेट जारी कर अपनी उपलब्धियां गिनाई और दावे किए। उन्होंने कहा कि इतना वक्त बहुत कम है, लेकिन फिर भी सरकार ने इस वक्त में बहुत काम किया। लगे हाथ उन्होंने राज्य के पिछड़ेपन के लिए पिछली सरकारों यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर निशाना साधा। सभी जानते हैं कि विगत 14-15 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर काफी पिछड़ गया था। इस अवधि में यहां सत्ता पर काबिज रही अन्य दलों की सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ बदहाल कानून व्यवस्था ने राज्य तथा यहां की जनता का भारी नुकसान किया है। इसलिए हमारी सरकार ने आम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू की है। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे कदमों से महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और सुदृढ़ करने तथा उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में स्थित केंद्रीयकृत कॉल सेंटर के माध्यम से महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। 181 एक टोल फ्री नंबर है जिस पर 24 घंटे में किसी भी समय कॉल करके कोई भी पीड़ित महिला अथवा बालिका सहायता प्राप्त कर सकती है। जाहिर था इस तरह के बयान पर विपक्ष की तरफ से पलटवार होना ही था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर 100 में 100 अंक हासिल करने में लगे थे, वहीं बीएसपी नेता मायावती ने उनके रिपोर्ट कार्ड को एक अंक देने लायक भी नहीं समझा। मायावती ने कहा कि मुख्यमंत्री ने थोक के भाव घोषणाएं की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को राजनीतिक धोखा करार दिया। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि 100 दिन विश्वास के नाम पर प्रदेश की जनता से विश्वासघात किया गया है। मंगलवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट कार्ड तो किसी ने मांगा भी नहीं था। जब एक कदम चले ही नहीं, बजट नहीं, योजना नहीं, तो पुस्तिका कैसी। उधर कांग्रेस ने योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन फरेब के शीर्षक से एक बुकलेट जारी करते हुए सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रिपोर्ट कार्ड जारी करने के 1.5 घंटे के भीतर ही कांग्रेस ने यह पलटवार किया। आरोप लगाया कि सिर्फ 100 दिनों में ही योगी सरकार की नीति और नियत बेअसर साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।